फिरोजाबाद होली व शबे बारात के त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन की मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक आयोजित एसपी सिटी कार्यालय में सीओ सिटी एवं नगर मजिस्ट्रेट द्वारा बैठक का किया गया आयोजन। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बैठक में आगामी त्यौहारों को भाईचारा एवं सौहार्द के साथ बनाए रखने की अपील। फिरोजाबाद से राहुल उपाध्याय की खास रिपोर्ट। देखिए, ये होली और शबे बारात को लेकर मीटिंग की गई है और जैसा कि हमेशा हमारे फिरोजाबाद में रहा है कि हम लोग आपस में सौहार्द बनाकर ये त्यौहार मनाते हैं। शबे बारात हो या होली, ये दोनों एक पर्व हैं। ख़ास तौर से होली बहुत बड़ा पर्व है जो आपस में सौहार्द के साथ मनाया जाता है। इसी को लेकर एक यहाँ एसपी सिटी साहब के कार्यालय पर सारे ही शहर के मसाजिद के उलमा को बुलाया गया, क्योंकि मस्जिदों के अंदर रात को इबादत होती है और उसी रात होलिका का दहन भी होना है, तो कहीं ऐसा ना हो, तो इसलिए आपस में तालमेल बनाकर, कोऑर्डिनेशन बनाकर, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ सब एकता के साथ ये त्यौहार मनाएं, ताकि कोई ऐसी घटना ना हो जिससे हमारे आपस की सौहार्द को ठेस पहुंचे। और इसलिए हम नौजवानों से अपील करना चाहते हैं, ख़ास तौर से यंगर्स से, कि वो इस रात में थोड़ा कॉन्शियस रहें और चाहे वो हमारे हिंदू भाई हों, चाहे वो हमारे मुस्लिम भाई हों, दोनों हमारे देश के, हमारे शहर के, हमारे दिल की धड़कन है और हमारे फ्यूचर है। इसलिए हम नहीं चाहते कि उनकी वजह से कोई ऐसी घटना हो, तो मुझे उम्मीद है कि ऐसे वो लोग समझदारी से काम लेंगे और एक अच्छा और पॉजिटिव मैसेज जाएगा और शांति बहाल रहेगी। और हम लोग ये आपस में, इबादत का त्यौहार है तो हम इबादत मनाएंगे, वो होली का वो त्यौहार है वो भी आपस में एक सौहार्द बनाने के लिए, तो ये शांति के साथ होगा, हमें पूरी कामना है और हमें प्रशासन से भी उम्मीद है और हमें हिंदू भाइयों और अपने मुस्लिम भाइयों से अपील है कि ये दोनों चीज़ें बहुत शांतिपूर्वक होंगी, कोई किसी किस्म की कोई ठेस नहीं पहुंचाएगा। और इन चीज़ों को अगर कोई करे भी तो उसको फौरन प्रशासन को इत्तला दें, ताकि कोई ऐसी घटना ना हो पाए। आज की मीटिंग एसपी सिटी साहब के ऑफिस पर, जो आने वाले भी संडे को दोनों कम्युनिटी के दो त्यौहार हैं और जो दोनों त्यौहार बड़े हैं, जैसे हिंदू कम्युनिटी का होली है और मुसलमान कम्युनिटी की शबे बारात है, जो बहुत एक अजीम त्यौहार हैं, इसलिए दोनों त्यौहार एक दिन होने की वजह से ख़ास तौर से मीटिंग रखी गई, ताकि हमारे शहर का तालमेल बना रहे और दोनों कम्युनिटी अपने अपने आवाम को सही तौर से समझा सकें, ताकि शहर में कोई किसी तरीके का बवाल ना हो और हमारा शहर अमन अमान के साथ में रहे। और अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो उसके लिए हम प्रशासन के साथ में कि उसके ख़िलाफ़ फ़ौरन ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसी कोई बात ना हो सके जिससे हमारे शहर पर किसी की बुरी नज़र लग सके या हमारे शहर में कोई बवाल हो सके। इसी को रखते हुए आज मीटिंग रखी गई थी और उसी के ताल्लुक से हम पूरे शहर को इस बात का आश्वासन देते हैं और बताते भी हैं कि सब लोग अपने अपने धर्म के एतबार से अपना त्यौहार मनाते हैं, तो वो सिर्फ त्यौहार खुशी के साथ मनाएं, लेकिन ना कोई किसी पर छींटाकशी करे और ना किसी के साथ में कोई बदतमीज़ी की जाए, ताकि हमारा शहर जिस तरह से अमन अमान के साथ रहता चला आया है, इस तरीके से हमारे शहर की सभ्यता और अमन अमान कायम रहे।